बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। वर्ल्ड कप 2023 में हर टीम को ग्रुप स्टेज में 9 मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में अगर कोई टीम इक्का दुक्का मैच गवा भी दे तो उसके पास वापसी का मौका है, लेकिन कोई भी टीम लगातार 3 मैच तो नहीं गंवाना चाहेगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों का यही हाल है, यानी कि विश्व कप के 14वें मैच में आज लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टक्कर होगी। दोनों ही टीमों के लिए विश्व कप की शुरुआत खराब रही। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ही टीमें अपनी शुरुआती 2 मैच हार चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो श्रीलंका की टीम जो एशिया कप के फाइनल खेलती है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 5 बार की विश्व विजेता रही है, यानी कि दोनों टीम का अगर आप पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे तो बहुत बेहतरीन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका ने शिकस्त दी, तो वहीं श्रीलंका को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सोमवार यानी कि आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों की नज़र 2 अंक हासिल करने पर होगी। श्रीलंका के साथ परेशानी ये है कि उसने दोनों ही मुकाबले में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 300 प्लस का स्कोर किया, लेकिन उसके गेंदबाज महंगे साबित हुए। श्रीलंका ने 7.86 रन प्रति ओवर की दर से दोनों मैच में रन लुटाए, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये जो रन रेट उनका था वो कितना भयानक था। जिस तरीके से कुशल मंडित फॉर्म में थे, जिस तरीके से चतेरा श्रीलंका बढ़िया फॉर्म में थे, यानी कि श्रीलंका की टीम अपने दोनों मैच में 300 प्लस स्कोर करने के बाद भी वो मैच हार गई। वहीं टीम के कप्तान धसुन सनाका चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। वाकई में भाई साहब ये अपने लिए श्रीलंकाई टीम के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि धसुन सनाका एक ऐसे प्लेयर हैं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रूप बदल सकते हैं, चाहे अपने बैटिंग से चाहे अपने बॉलिंग से। अब ऐसे में अगर धसुन सनाका बाहर हो गए हैं तो अब मेंडिस टीम की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी बल्लेबाजी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। अब तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने वर्ल्ड कप में अर्धशतक तक नहीं जड़ा है। आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इस समय क्या है। पहले मुकाबले में 199 पर आउट, दूसरे मुकाबले में 172 पर आउट, यानी कि उनके पास जो बैटिंग यूनिट है, चाहे डेविड वार्नर हो, चाहे मार्नस लब्सेन हो, चाहे उनके पास स्टीवन स्मिथ हो, कोई बल्लेबाज चलने के लिए तैयारी नहीं, मानो सबके बैट में जंग लग गया हो। ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल टूर्नामेंट में किसी भी टीम से तुलना में सबसे कम बल्लेबाजी औसत है, यानी कि 18.80 है, और वह 200 तक पहुंचने में विफल रही है। अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में टीम के रेगुलर कप्तान धसुन सनाका चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं, उनके स्थान पर कुशल मेंडिस अब कप्तानी करेंगे। वहीं अगर बात की जाए हेड टू हेड हालिया रिकॉर्ड की, तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 103 वनडे मैच खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 63 और श्रीलंका ने 36 मैच जीते हैं, लेकिन उसमें 4 मैच बेनतीजा रहा। वहीं टूर्नामेंट की बात करें तो 10 वनडे खेले गए हैं, जिसमें 8 बार ऑस्ट्रेलिया और केवल 2 बार श्रीलंका जीता है, एक मैच का रिजल्ट निकला नहीं था। अगर बात की जाए जो हालिया प्रदर्शन है, उसमें श्रीलंका का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर हुए पिछले 5 वनडे मैच में श्रीलंकाई टीम ने 3 मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप में फील्डिंग कितनी खराब रही, यानी कि जब फील्डिंग की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हर किसी की बेहतर उम्मीद रहती है। वहीं अगर बात की जाए कुशल मंडी से, श्रीलंका को काफ़ी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से कुशल मंडी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बल्ले से बेहतरीन रन निकल रहे हैं, और अपने दोनों मैच में 198 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 1 शतक 1 अर्धशतक शामिल है। जो उनका स्ट्राइक रेट है वो किसी T20 बैट्समैन से, किसी T20 फॉर्मेट से कम नहीं है, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 163 का है। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से कल का जो मैच हुआ, उसमें अफगानिस्तान इंग्लैंड की टीम भिड़ी। आप समझिए 2019 वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम को कल अफगान के पठानों ने करारी शिकस्त दी और 69 रनों से उनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में कुछ रिकॉर्ड भी ऐसे बने जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, और जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, वर्ल्ड कप में छोटी टीमें हमेशा उलटफेर करती हैं, तो पहला उलटफेर कल देखने को हमको मिला। क्या आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराकर दूसरा उलटफेर इस विश्व कप में करेगी? फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।